लोकसभा चुनाव में जहां झारखंड बीजेपी के तमाम नेता राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश में विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे। लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद झारखंड एनडीए ने 14 लोकसभा में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है। बोकारो स्टील प्लांट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट माना जाता है। वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी सिस्टम से कसमार प्रखंड का खुदीबेड़ी गांव को पानी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा हैंडपंप को बीच सड़क से दूसरी जगह शिफ्ट करने की जगह इस हैंडपंप को जल्दबाजी में बीच सड़क पर ही गले तक ढाल दिया गया है, जिससे गांव के लोग चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना लोग पानी उनी पीता था, सब लोग का तकलीफ हुआ, यहाँ पर कुछ के सुविधा नहीं है। तो पहले जब बन रहा था तो आपने मना नहीं किया कि इसको बंद नहीं करो? मना किया, मगर गरीब लोग का बात कौन सुनेगा, इसलिए कोई माना नहीं। तो आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है इससे? परेशानी तो बहुत हो रहा है। अभी कहाँ से पानी धो के लाना पड़ता है, कितना दूर से लाना? स्कूल से लाना पड़ता है। जो नजदीक था वो बंद हो गया? हाँ, स्कूल से कब बंद करेगा कब नहीं, तो बाउंड्री घुर जाएगा, हम लोग को दिक्कत हो। मतलब पिछड़ा इलाका है कसमार, लोग आते भी नहीं अधिकारी देखने? नहीं, कोई नहीं आते। नेता लोग तो ये को बोल के गया क्या से हम लोग ठीक करेंगे, अब करेगा कि नहीं करेगा हम लोग को पता नहीं। वही जिला उपायुक्त कृपानंद झा से पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो कहा कि जल्द ही दूसरे हैंडपंप की व्यवस्था कराई जाएगी। मैंने जब भी इस तरह का रोड की स्कीम वगैरह बननी चाहिए और या कोई भी स्कीम हो, पब्लिक यूटिलिटीज की जितनी चीज है उसको प्रॉपर वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, रिलोकेट कर देना चाहिए। इसमें भी यही किया जाना चाहिए था मेरे अंदाज से। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग फिर उस चापाकल को उसी योजना के जो पैसे हमारे पास हैं मतलब SCA स्कीम के तहत नया चापाकल गांव में लगवाया जाएगा उसमें, और जिससे कि लोगों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़े। थोड़ा सेंसिटिव हो के लोगों को चीज़ों को लेने की ज़रूरत है मुझे लगता है। अब हाँ, अगर नहीं शिफ्ट किया है प्रॉपर कोई भी यूटिलिटी का है, शिफ्ट तो करना ही चाहिए था। उसमें 3 से 4 महीने पहले उस रोड को मरम्मती के नाम पर चापाकल को बंद कर दिया गया है। जो आप घर है काफ़ी उम्र से समस्याएं सामने आ रही है पानी को लेकर, क्योंकि गर्मी का भी दिन है। नहीं, अभी आप बताएं तो इसको हम देखते हैं कि इमीडिएट समाधान क्या है, और फिर जो 3-4 महीने में चापाकल लगाने में बहुत टाइम तो नहीं लगती है, तो उसका समाधान निकाला जाएगा आपका कि पानी की समस्या किसी को नहीं हो। लेकिन स्कीम जब इम्प्लीमेंट होता है तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, और स्कीम भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो भी यूटिलिटीज हैं, जो जनता के यूज़ की चीज़ें हैं, उसका पहले से व्यवस्था कर लेना अच्छा होता। बता दें कि खुदीबेड़ी गांव में रोड का उद्घाटन गोमियो विधायक बबीता देवी और पूर्व सांसद रविंद्र पांडे दोनों ही पहुँचे थे, लेकिन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि सड़क बन जाने के बाद पानी की समस्या हो जाएगी गाँव में। संजय कुमार, बिहार तक।